नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। दोस्तों, ऐसा समझ लीजिए कि एक टाइम जिस चीज़ को हम खुद ख़रीदा करते थे, आज जिससे ख़रीदा करते थे, जो चीज़ खरीदते थे, आज हम उसी टाइप की चीज़ उसको अब बेच रहे हैं। ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोचिए, भारत एक टाइम पर डिफेंस की चीज़ें ख़रीदा करता था और बहुत ख़रीदता था, निर्भर पूरी तरह से विदेशों पर था। आज उन्हीं जिनसे ख़रीदता था उन्हीं को आज हम बेच रहे हैं। तो सोचिए, हमने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी हमारी डेवलपमेंट हुई होगी। आइए दोस्तों, समझते हैं पूरी न्यूज को विस्तार से कि आखिर ये न्यूज है क्या। दोस्तों, दरअसल रूस इस वक्त यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है और 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। अभी वो युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, वो चल रहा है। तो रूस जो कि दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे पावरफुल देश है, अब दोस्तों उसकी हालत ऐसी ख़राब हो चुकी है कि अब उसके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है हथियारों के रूप में। गोला, बारूद, इस तरह की चीज़ें अब उसके पास ज़्यादा नहीं बचा। तो ये समझ लीजिए कि जब USSR हुआ करता था, रूस उस वक्त के अपने टैंकों का यूज कर रहा है, उस वक्त की चीज़ों को भी यूज कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, ताकि वो किसी तरह से अपने आप को युद्ध में बनाए रखे। और दोस्तों, ये करने के लिए उसके पास जब कुछ है नहीं, तो उसको सपोर्ट किससे चाहिए? सपोर्ट उसको भारत से चाहिए। भारत से सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि रूस भारत को ही सप्लाई करता था सबसे ज़्यादा। ये समझ लीजिए कि भारत की जो 90% जो युद्ध की चीज़ें होती, वो हमने रूस से ही ख़रीदी थी। धीरे धीरे ये परसेंटेज कम होता गया और हम कुछ सामान US से ख़रीदने लगे, कुछ हमने इसराइल से ख़रीदा, कुछ फ्रांस से ख़रीदा, इस तरह से फिर हमने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया। लेकिन फिर भी आज भी हमारे पास 3 सेनाएं हैं, जल, थल, वायु। तीनों सेनाओं में अगर देखा जाए तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रशियन आइटम है। तो रशिया के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद था, ये ज़्यादा ईजी था कि वो इंडिया से ही गोले बारूद सब ख़रीद ले, क्योंकि इंडिया में जो गोले बारूद यूज होंगे, सेम यही गोले बारूद उसके हथियारों पे चल जाएंगे, क्योंकि भारत के पास वही हथियार हैं ज़्यादा। तो भारत में वो हथियार जो ले रखे हैं भारत ने, उसके सारे गोले बारूद इंडिया में ही बन जाते हैं। तो रूस ने भारत से $4 बिलियन के वो गोले बारूद ख़रीदे। ये समझ लीजिए कि इतने ज़्यादा मात्रा में और इतनी ज़्यादा वैल्यू के इससे पहले भारत ने एक्सपोर्ट किसी भी देश को किया ही नहीं था। ये पहला ऐसा कंट्री है रूस जिसको भारत ने इतना बड़ी वैल्यू में, वॉल्यूम में, वैल्यू में एक्सपोर्ट किया। अच्छा, रूस की बता दें तो रूस ने भी कभी इतनी ज़्यादा कभी किसी से ख़रीद करी ही नहीं है। मतलब रूस पहली बार इतना $4 बिलियन का सामान को किसी भी देश से ख़रीदा है उसने। मतलब अगर इसको रुपए में कन्वर्ट कर दे तो ये मान लीजिए करीब 33-34 हज़ार करोड़ रुपए बन जाएंगे। ये इतनी बड़ी वैल्यू है। अच्छा दोस्तों, जैसे रूस इंडिया से ख़रीद सकता था, ख़रीद रहा है, तो ऐसे ही वो चाइना से भी ख़रीद सकता था। तो दोस्तों आपको बता दें, उसने चाइना से क्यों नहीं ख़रीदा? चाइना को भी वो सामान बेचता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बेचता। चाइना से अभी वो ख़रीद लेगा, अब ख़रीद तो लेगा, लेकिन उसकी ट्रेनिंग के लिए फिर उसको चाइना पर निर्भर होना पड़ेगा। और अभी क्या है, भारत से लेने पर उसको किसी की भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए अपने आर्मी पर्सनल के लिए, उसकी इन ऑलरेडी ट्रेनिंग है, यही सारी चीज़ें। तो दोस्तों इसलिए वो रूस जो है चीन के पास नहीं गया। और आपको दोस्तों सुनकर सबसे बड़ी बात आपको अच्छी ये लगेगी कि ये जो भी ट्रेड हो रहा है, ये डॉलर में नहीं हो रहा है, रुपी रूबल में हो रहा है। मतलब इसका पैसे का भुगतान रशिया रुपए में करेगा भारत को। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ये मान लीजिए कि एक तो होती अच्छी खबर, एक बहुत अच्छी खबर हो गई। पहली चीज़, हमने अपने डिफेंस के आइटम बेच दिए, पहले गुड न्यूज़। दूसरी, हमने फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा लिया। तीसरी चीज़, हमने अपने ही करेंसी को सोचिए यूज में लिया है, हमने डॉलर वगैरह का यूज करना ही नहीं दिया, क्योंकि अब हमारा रुपया जब उसकी डिमांड बढ़ाई तो कहीं ना कहीं हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ी विदेशों में, इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये दोस्तों भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन रही, और साथ ही साथ रूस जैसा हमारा दोस्त भी हम पे विश्वास करता है कि वो आज युद्ध में फंसा हुआ है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए भारत ही आ गया है। भारत ने अपना मुँह नहीं छुपाया और पीछे नहीं हटा, एक ये भी अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छा मैसेज आएगा।
दोस्तों हमें बोलना नहीं चाहिए कि रूस यूएन में परमानेंट सीट होल्ड करता है, उसका परमानेंट मेंबर है, जो 5 मेंबर है परमानेंट उनमें से एक रूस भी है। तो ये दोस्तों भारत का दोस्त बहुत अच्छा है, भारत ने बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया, अपनी करेंसी भी यूज कर ली दोस्तों। अब इस पर यह है कि लगातार इस पर निगाह बना कर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब इस पर बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट आती रहेंगी दोस्तों। अब इस पर कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।